आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही पनीर, और बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाते हैं शाही पनीर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कटोरी में कुछ काजू ले लिए हैं और उनको 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया है। और अब लेते हैं हम कुछ इनके मसाले बनाने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च है, इनका सबका हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर देसी घी लिया है और इसमें मैंने ये साबुत काली मिर्च डाल दी हैं, और ये बड़ी इलायची, लौंग, कुछ छोटी इलायची हैं, ये तेज़पत्ता डाला है, यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, और इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे। और जैसे हमने प्याज टमाटर सभी चीज़ लिया था उसका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, उनको काटा नहीं है, चॉप नहीं किया है। ये देखिए ये प्याज है हमारा, और इसको मैंने एकदम से मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे हम, और जैसे इसका कच्चापन निकलेगा हमारे ये जो प्याज है उसके बाद हम अदरक लहसुन भी डाल देंगे। ये देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी डालकर थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा अपने हाथ को तेज करेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा धीरे से बता रही हूँ वरना ये नीचे लग जाएगा। ये हमने जो काजू भिगोए थे उनका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और उनको ये यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब ये जल्दी से भून जाता है तो इसके लिए अब हाथ को थोड़ा सा तेज चलाना होगा, और उसके बाद हमारे जो ये पेस्ट है अच्छे से भून जाएगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे, टमाटर की प्योरी जो बनाई है हमने। ये देखिए इसी में मैंने लाल मिर्च जो रखी हुई थी वो भी मैंने इसी में ही ग्राइंड कर दी है। इनको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद देखिए ये काजू का जो पेस्ट था उससे इसका टमाटर का रंग भी बदल गया है। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, यहीं पर मैं लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ, लाल मिर्च से इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसको मैंने काफ़ी अच्छे से चलाया है। ये मैंने यहाँ पर दही ली है और दही फटे ना इसके लिए मैंने इसमें पहले से ही धनिया मिक्स कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी तो दही फटने का डर रहता है। ये सभी सामान गर्म है तो अब हमने धनिया डाल दिया है तो ये नहीं फटेगी। अब ये मैंने दही को फेंट के ऐसे डाला है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारे जो शाही पनीर की ग्रेवी होगी। और इसे हम जल्दी से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। अब इसे मैं कुछ देर के लिए ढककर पकाऊंगी, 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम करके गैस को। और उसके बाद ये देखिए हमारी जैसे दही पक चुकी है, अब मैं यहाँ पर मलाई भी डालूँगी। हमने दही डाल दी है, मेरे पास थोड़ी ये पहली 2-3 दिन पहली मलाई थी और कुछ फ्रेश है, उसको मैंने एक साथ ही डाल दिया है। अब इसको हम चला लेंगे। पहले हमने दही डाला था, अब हमने मलाई डाला है। इनका सबका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं नमक भी टेस्ट के अनुसार डाल देती हूँ और यहीं पर डाल दूँगी गरम मसाला। ये ग्रेवी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। हमने इसमें काजू भी डाला है, मलाई भी डाल दी है, दही भी डाल दी है, सभी कुछ डाल दिया, और हमारा गैस पर सिम पर पक रहा है और इसकी ये छींटे देखिए, इसलिए आपको ढककर पकाना चाहिए। तो ये यहाँ तब तक हम पनीर को काट लेते हैं, 200 ग्राम पनीर है और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इनको अलग कर लेते हैं। ये देखिए मैं अलग कर रही हूँ, और उसके बाद अब हम ग्रेवी को देख लेंगे, क्योंकि हम उसे ढककर पका रहे हैं वरना छींटे छींटे करके ये पूरा गैस ख़राब कर देते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, ऑयल भी अलग से हो गया है, ये घी एकदम से अलग अलग, और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर के जो पीस काटे हैं वो डाल देंगे। ये देखिए मैंने ये डाल दिए। मैं आपको काफ़ी आसान रेसिपी बताती हूँ जो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई है। अब ये देखो पनीर मैंने इसमें डाला और कुछ देर के लिए हमने इसे भी सिम पर पकाया है जिससे हमारे पनीर में भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए, और ये हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है। तो कितने कम टाइम में हमारा टेस्टी शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है।
आप इसे ज़रूर बनाइए और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।